का फिर से एक बार है EOR पे इंक्वायरी ऑन रिजल्ट्स। हमने ये वीडियो क्यों बनाया, क्योंकि हम आपको दिखाना चाहते हैं कि हमारे पिछले वीडियो के बाद कितने कैंडिडेट्स ने हमसे एडवाइस लेके EOR अप्लाई की और उनमें से 80% स्टूडेंट्स का बैंड इंक्रीमेंट हुआ है। इस वीडियो का पर्पस ये नहीं कि मैं सब कैंडिडेट्स को ये कहूँ कि EOR के लिए अप्लाई करें, लेकिन जो कैंडिडेट राइटिंग एंड स्पीकिंग में अपने बैंड से खुश नहीं, उन्हें EOR अप्लाई जरूर करनी चाहिए। लेकिन लिसनिंग रीडिंग में मैं आपको ये एडवाइस नहीं दूंगी, क्योंकि वहाँ पे आपको पता ही है ऑब्जेक्टिव टाइप और ऊपर से OMR शीट, तो आपका वो रिजल्ट चेंज नहीं होता। जब आप राइटिंग स्पीकिंग में अप्लाई करते हैं EOR, वहाँ चांसेस इंक्रीमेंट के, क्योंकि वहाँ पे इंडिपेंडेंट एग्जामिनर आपका दोबारा से रीचेक करते हैं, तो चांसेस हैं कि आपका बैंड स्कोर इम्प्रूव हो जाए अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। मैं सजेस्ट करूंगी सिर्फ वही कैंडिडेट अप्लाई करे, चाहे वो स्पीकिंग राइटिंग में ही है, जो श्योर है अपनी परफॉर्मेंस को लेके। ये नहीं कि EOR में बैंड इंक्रीमेंट हो रहे हैं तो सभी इसके लिए चले जाएं। आपको पता ही है फीस 11,000 समथिंग है, तो सिर्फ वही कैंडिडेट अप्लाई करे जो अपनी परफॉर्मेंस को लेके श्योर है। चलिए अब हम कमेंट सेक्शन चेक करते हैं कितने स्टूडेंट का इंक्रीमेंट आया। जैसे कि आपने कमेंट सेक्शन में देखा कि कितने स्टूडेंट्स ने EOR अप्लाई की और उसमें से कितनों को सक्सेस मिली, तो आप भी अगर अपनी परफॉर्मेंस को लेके श्योर हैं तो डू अप्लाई फॉर एन EOR। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।